हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 102 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। चलते हैं उसके क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। दो सवाल क्या है हमारा, इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट इंडिया प्लेड 10 मैचेस विथ पाकिस्तान, आउट ऑफ विच इंडिया वॉन एक्स माइनस फोर मैचेस। देखो टोटल 10 मैचेस का जब कहानी चल रहा है, तो इंडिया जो है जब जीतेगा तो वो कितना जीत रहा है, एक्स माइनस फोर मैचेस। हम लोग थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं ए मैचेस। ठीक है, जब इंडिया ए जीतेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा, ए हारेगा। तो यानी पाकिस्तान ए क्या किया, ए लूज किया। ठीक है, ये यहाँ पे था विन, इंडिया का ए विन था। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, इफ पाकिस्तान प्लेज टू मैचेस अगेंस्ट इंडिया, यदि पाकिस्तान दो मैचेस प्ले करता है इंडिया में, इंडिया के खिलाफ, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पाकिस्तान इन एटलीस्ट वन मैचेस इज 2/3। पाकिस्तान का जीतने का एटलीस्ट एक मैचेस में विनिंग कंडीशन क्या है, 2/3 है। तो लूजिंग कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, 1/3। 2/3 में 1 - 2/3 कर देंगे। तो लूजिंग कंडीशन जब 1/3 हो गया तो दो ही मैचेस का बात कर रहा है, आउट ऑफ कितना, ए। यानी कि अगर वो AC2 हम लोग कर देंगे यहाँ पे 10C2, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1/3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये दो मैचेस का ही बोल रहा है। ठीक है, और वो हारा तो टोटल मैचेस कितना हारा था, ये ए हारा था। तो ए में दो चुनना है हमें यहाँ पे, AC2 / 10C2 इज इक्वल टू कितना, 1/3। बस इसी को यहाँ पे हारने का कंडीशन से अकॉर्डिंग हम लोग को इसे सॉल्व कर देना है। ए इंटू ए माइनस वन बटा में 2 * 1 बटा में 10 * 9 और यहाँ पे 2 * 1। ठीक है, ये सारा कंडीशन तो क्लियर खत्म हो जाएगा, बराबर में 1/3 दिए हुए है। अब इसी को जब आगे लेके चलेंगे, ए इंटू ए माइनस वन बटा में 10 * 9 इज इक्वल टू 1/3, 3 से कट जाएगा ये 3 बार में। ए इंटू ए माइनस वन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 * 3 यानी कि 30। देखो थोड़ा सा आप इसे अगर तो कॉमन सेंस वहाँ पे यूज़ करोगे ना, तो इसे आप बिना क्वाड्रेटिक के ले आ सकते हो। कैसे, ए इंटू ए माइनस वन, इसे हम अगर ऐसे लिख दें 30 को, 6 * 5, तो क्लियर साफ साफ दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकल गया ए की वैल्यू 6। हमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवेन नो मैचेज वॉज ड्रॉ। ठीक है, कोई मैसेज ड्रॉ नहीं था, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने क्या माना था, एक्स माइनस फोर बराबर ए माना था। यानी कि एक्स माइनस फोर बराबर हमारा कितना निकल गया, 6। एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 6 + 4, डेट इज हमारा 10। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 10। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।